हेलो इंग्लिश लर्नर्स, आज हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर। आज हम जानेंगे ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट के बीच में क्या अंतर है। ये दोनों कंसेप्ट इंग्लिश ग्रामर में अक्सर यूज़ किए जाते हैं जब हम बात करते हैं बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर इंग्लिश में कैसे फॉर्मुलेट किया जाता है। मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की है, सर हम जब बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर्मुलेट करना सीखते हैं तब हमें कन्फ्यूज़न होती है ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट को समझने में, इन दोनों के बीच के अंतर को समझने के लिए। आप एक स्पेसिफिक वीडियो बनाएं और इसमें समझाएं ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट के बीच में क्या अंतर है। मैं अपनी ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स को डेडिकेट करता हूँ जिनका कन्फ्यूज़न है ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट को लेकर। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। मुझे आपको ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट समझाने के लिए बैकग्राउंड तैयार करना पड़ेगा, लेकिन पहले आप ये समझ लें मैं कौन से कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहा हूँ। दो शब्द हैं, एक एल ई एक एल आई। एल आई उसका मतलब होता है अप्रिशिएट करना, तारीफ़ करना, कॉम्प्लीमेंट, उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट। एल ई जो इंग्लिश ग्रामर में यूज़ किया जाता है बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूलेट करने में। सो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहले हमें समझना होगा सेंटेंस क्या होते हैं। सेंटेंस जब कोई हम अपनी एक क्लियर थॉट या आइडिया अपनी ऑडियंस के सामने रिटन या स्पोकन फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, और हर एक सेंटेंस में एक क्लोज होता है, उसमें एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट यानी कि जिस विषय के ऊपर हम बात करते हैं, किसी भी वस्तु का नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी जगह का नाम, कोई भी वस्तु का नाम, कोई भी चीज़ जिसे हम विषय के रूप में यूज़ करते हैं उन्हें हम सब्जेक्ट कहते हैं। जो बाकी पार्ट होता है सेंटेंस में उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। प्रेडिकेट में बहुत सारे एलिमेंट्स इंक्लूड हो जाते हैं जैसे कि वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, और वहीं पर हम एक कंसेप्ट यूज़ करते हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कोई भी शब्द चाहे वो नाउन के फॉर्म में, एडजेक्टिव्स के फॉर्म में, या नाउन फ्रेज या एडजेक्टिव फ्रेज के रूप में यूज़ किया जाता है उस एक्सप्रेशन को पूरा करने के लिए, एक क्लियर थॉट को अपनी ऑडियंस के सामने रखने के लिए। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। हमने बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं, उसमें सबसे आसान सेंटेंस स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यानी कि कई बार क्या होता है हमें वर्ब के बाद आगे किसी भी शब्द की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब इनफ होता है अपनी थॉट को ऑडियंस के सामने रखने के लिए। जैसे हम कहना चाहते हैं बच्चे हंसते हैं, चिल्ड्रन लाफ। अब लाफ के आगे हमें कोई और शब्द की ज़रूरत नहीं है। सो ये एक एग्रीमेंट हो गया सब्जेक्ट और वर्ब का, और एक ये सेंटेंस भी है, एक क्लॉज भी है। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, रिवर फ्लोज, नदी बहती है। हम यही कहना चाहते थे अपनी ऑडियंस को सब्जेक्ट प्लस वर्ब, लेकिन ये अक्सर ऐसा नहीं होता। कई बार क्या होता है हमें वर्ब के आगे किसी शब्द की ज़रूरत पड़ती है अपने थॉट को पूर्ण करने के लिए, और वो हम दो फॉर्म में यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। अब आपको समझ आएगा, एक हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ा है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, दूसरी तरफ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। पहले हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट को लेकर। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जब अगर हम सब्जेक्ट से पूछे उसने क्या किया है, किसके साथ किया है, उसका आंसर हमें ऑब्जेक्ट के रूप में निकलता है। यानी कि अगर हम सब्जेक्ट से पूछे उसने क्या किया है, व्हाट, किसके साथ किया है, हुम, दो इम्पॉर्टेंट शब्द व्हाट हुम, उसका जो आंसर निकल कर आएगा वो ऑब्जेक्ट के रूप में निकल कर आएगा। जैसे कि दे प्ले, वह खेलते हैं, अगर हम इसका आंसर चाहते हैं वो क्या खेलते हैं, जो उसका आंसर होगा ऑब्जेक्ट के रूप में, दे प्ले फुटबॉल, फुटबॉल क्या हुआ ऑब्जेक्ट, दे प्ले क्रिकेट, क्रिकेट क्या हुआ ऑब्जेक्ट। आई लव, मैं प्यार करता हूँ, किससे प्यार करता हूँ, आई लव यू, यू क्या हो गया ऑब्जेक्ट। आई लव एप्पल्स, एप्पल्स क्या हो गया ऑब्जेक्ट। अब हमें ये जानना ज़रूरी है ऑब्जेक्ट भी दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मैंने दो एग्जांपल्स दी, दे प्ले क्रिकेट,
दे प्ले फुटबॉल, आई लव एप्पल्स, फुटबॉल, क्रिकेट, एप्पल्स, ये सभी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं। अब जब हम एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, उसमें एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अब आपने इन दोनों ऑब्जेक्ट्स में ये कैसे पहचानना है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, वो आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। जो आपको आंसर व्हाट यानी कि क्या उसके रूप में सामने आ रहा है वो होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जिसका आंसर किसे होम के रूप के सामने हमारे आ रहा है उसे हम कहेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे कि शी गिव मी ए प्रेजेंट, उसने मुझे एक तोहफा दिया। गिव क्या दिया मुझे, प्रेजेंट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे दिया, मुझे दिया। मी क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक और एग्जांपल, माय मदर बॉट मी ए नेकलेस, मेरी माता जी ने मुझे एक नेकलेस दिया, बॉट, खरीदा मेरे लिए, किसके लिए खरीदा, क्या खरीदा, नेकलेस, नेकलेस क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किसके लिए खरीदा, मेरे लिए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जॉन टोल्ड पीटर ए स्टोरी, जॉन ने पीटर को एक स्टोरी सुनाई, क्या सुनाई, स्टोरी, स्टोरी क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किसे सुनाई, पीटर, पीटर क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। जैसे कि हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर अभी बात की, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ऐसे ही हमारे पास एक सेंटेंस स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट एक सब्जेक्ट की ही प्रॉपर्टी है, उसका ही एक रूप है। जैसे कि अनीता इज एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट क्या है, एक कॉम्प्लीमेंट है। कौन एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, अनीता, यानी कि अनीता की जो बात कर रहे हैं उसकी ही एक प्रॉपर्टी है। यहाँ पर ये इंटेलिजेंट क्या है, एडजेक्टिव। और नॉर्मली आप ये समझ लें कि जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो या तो नाउन के रूप में या फिर हम एडजेक्टिव के रूप में यूज़ करते हैं, और वो सब्जेक्ट के इक्वल होगा। जैसे कि एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट कौन है, अनीता। अब मैं एक और एग्जांपल आपको बताता हूँ, अनीता इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। एन इंटेलिजेंट गर्ल, ये एक हो गया नाउन। अब कौन है इंटेलिजेंट गर्ल, यानी कि अनीता सब्जेक्ट के इक्वल, तो वो क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट। आर नेबर डॉग्स आर वेरी डेंजरस, आर नेबर्स डॉग्स आर वेरी डेंजरस। अब डेंजरस क्या है, खतरनाक, कौन है, हमारे आर नेबर्स डॉग्स, जो हमारे पड़ोसियों के कुत्ते हैं वो खतरनाक है, सो डेंजरस क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट। और ये जो कॉम्प्लीमेंट के साथ जो वर्ब होती हैं वो नॉर्मली क्या होती हैं, या तो लिंकिंग वर्ब्स, जिनके साथ हमें कुछ ना कुछ लिंक करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल सीम्स, ही सीम्स, अब ये अपने आप में तो नहीं एक संपूर्ण, हमें कुछ ना कुछ तो कहना होगा ना, ही सीम्स अनहैप्पी। अब सीम्स क्या, लिंकिंग वर्ब, ऐसे अपीयर्स है, कुछ और वर्ब्स भी होती है। या फिर हम बी वर्ब की बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट के साथ, जैसे कि इज, एम आर, वॉस, वर, विल, शेल, राइट। ही सीम्स अनहैप्पी, अनहैप्पी क्या है, एक एडजेक्टिव, एक कॉम्प्लीमेंट। अब दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज़ और समझनी पड़ेगी, एक होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एक होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होगा वहाँ पे तो जो भी कॉम्प्लीमेंट होगा वो सब्जेक्ट के रिलेटेड होगा, यानी कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जैसे कि अनीता इज़ एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट क्या है, कॉम्प्लीमेंट, लेकिन ये किसे बता रहा है, अनीता को। अनीता क्या है, सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आर नेबर्स डॉग्स आर वेरी डेंजरस, डेंजरस कौन सा है, हमारे नेबर्स डॉग्स, सो वो क्या हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी क्या होगा, यानी कि वहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा, फिर से आप समझ लें, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब के बाद भी कॉम्प्लीमेंट का यूज़ किया जा सकता है, ऑब्जेक्ट के बाद भी किया जा सकता है। एग्जाम्पल, वी पेंटेड द हाउस ग्रीन। अब यहाँ पे वी क्या है, सब्जेक्ट, पेंटेड क्या है, वर्ब, हमने क्या पेंट किया, घर किया, द हाउस क्या बना, ऑब्जेक्ट। और अब ये ग्रीन क्या है, हाउस ग्रीन है, यानी कि ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी बता रहा है, तो ग्रीन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, राइट। एक और एग्जांपल, यू आर मेकिंग मी सैड। अब यू क्या है, सब्जेक्ट, मेकिंग क्या है, वर्ब, किसे बना दिया है, मी, यानी कि ऑब्जेक्ट, और मी को सैड कर दिया है, यानी कि ऑब्जेक्ट के बारे में ये बात कर रहा है, सैड कौन है, मी,
यू आर मेकिंग मी सैड। सैड क्या हो गया? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सो दोस्तों, मुझे उम्मीद है इस वीडियो के अंत तक आपको ये क्लियर हो गया होगा ऑब्जेक्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यानी कि एक हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में बात की, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, उसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में बात की। दूसरी हमने बात की सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट, वहाँ पर हमने सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में भी जाना है। एक हमने बात की सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यानी कि वो जो कॉम्प्लीमेंट होगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। सो दोस्तों, ये थी मेरी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई या लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए, मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आप स्पोकन इंग्लिश या आयल्स राइटिंग के ऊपर काम करना चाहते हो, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मोबाइल नंबर आपको चैनल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंग्लिश सीखने का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।